गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज रोल ऑफ आईसीटी इन डे टू डे लाइफ। इन चैप्टर नंबर 6 दैट इज आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज में भी हमने आईसीटी का रोल पढ़ा था, काफ़ी कुछ सेम है। द क्लास 9 सिलेबस है डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वन इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड अदर इज सब्जेक्टिव स्किल। मैंने आपसे पहले सब्जेक्टिव स्किल डिस्कस कर लिया था, इन विच वी हैव लर्न अबाउट वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, आईटी एंड आईटी इंडस्ट्री एंड कीबोर्ड के बारे में और उसको टाइपिंग के बारे में वो पढ़ा था एंड स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में। दैट ऑल आर ऑफ योर 40 मार्क्स। नाउ वी विल डिस्कस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन विच कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके पास है, दैट इज ऑफ योर 10 मार्क्स। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ आईसीटी इन डे टू डे लाइफ। व्हाट इज आईसीटी? इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। आईसीटी मीन्स Information technology means creating, managing, storing and exchanging information. Information को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, स्टोर करना और एक्सचेंज करना। ICT stands for Information and Communication Technology. ICT का क्या मीनिंग हुआ आपका? Information and Communication Technology, which डील्स विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो किस में डील करती है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लाइक जैसे कि कंप्यूटर हो गए, स्मार्टफोन, आईपैड एक्सेट्रा, टू स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा और इंफॉर्मेशन। जो किस काम के लिए यूज होता है? जिससे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो या रिट्रीव कर सकते हैं आप इंफॉर्मेशन को या डेटा को। आईसीटी इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आज की डेट में देखो, विदाउट इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं हो सकता। इवन मोबाइल डिवाइसेस लाइक आईपैड, स्मार्टफोन्स विद इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी यूज टू परफॉर्म डेली लाइफ टास्क। अब देखो, आज की डेट में मोबाइल फोन या स्मार्टफोन्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं आपके लिए। अगर हम कोई लेक्चर, आप आज का ई लर्निंग चल रही है आपकी, दैट इज़ ऑन स्मार्टफोन और लैपटॉप, इसमें ही चल रही है सब कुछ आपकी। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन पर्सनल लाइफ एंड एट वर्क प्लेस। आपकी पर्सनल लाइफ में और आपके वर्क प्लेस में देखो कहाँ कहाँ आईसीटी का यूज हो रहा है। हर जगह ही हो रहा है। आप घर पे देख लो, आज की डेट में आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, होमवर्क, हर चीज आपको मोबाइल फोन पे मिल रही है, दैट इज थ्रू आईसीटी। मोबाइल भी एक आईसीटी का टूल ही है आपका। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये क्या है? आईसीटी के टूल हैं ये सब। घर पे आपको क्या, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो वो आप, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल या आपके पास लैपटॉप हो तो आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। आईसीटी एप्लीकेशंस आर फाउंड इन एवरी फील्ड। कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहां आपकी आईसीटी की एप्लीकेशन आज की डेट में नहीं है। तो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट, आईसीटी एट होम। अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू होम टू प्ले। क्या क्या कर सकते हो घर पे आप कंप्यूटर में? सिर्फ गेम नहीं खेलना है, सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप किसी भी चीज़ की कोई समझ में नहीं आ रही आपको, तो भी आप सर्च कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब लिंक हैं। सर्च इंफॉर्मेशन, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, सेंड और रिसीव ईमेल, मेंटेन हाउस होल्ड अकाउंट्स। अ डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन कैन बी यूज टू डू ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो आजकल, बिल पे कर सकते हो। देखो, बिल आप कोई भी है, आप मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आप किसी भी टाइम पे कर लो, रात में, दिन में, जब आप फ्री हो। अदरवाइज पहले हर चीज़ के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ई बैंकिंग कर सकते हो। आईसीटी इन एजुकेशन,
तो एजुकेशन में कितना बड़ा रोल है आज की डेट में, कोरोना में, कोविड 19 के ड्यूरेशन में तो और ज़्यादा हो गया, सारा आईसीटी का ही, आईसीटी पे ही डिपेंड हो गया सब कुछ। आईसीटी फॉर एजुकेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर टीचिंग लर्निंग पर्पसेस। टीचिंग लर्निंग पर्पस में यूज़ हो रहा है, आपको अगर एनिमेशन के थ्रू कोई चीज़ पढ़नी है, वीडियो के थ्रू कोई चीज़ पढ़नी है, आपको ईजिली आ सकती है, लेक्चर आपका डाल दिया, आप किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो, है ना। अब हम YouTube लिंक डाल देते हैं, अगर आप क्लास में के टाइम पे नहीं भी फ्री हो, कहीं आ रहे जा रहे हो, तो बाद में आप कर सकते हो, यू कैन यूज इट एट एनी टाइम। ICT हैज ऑल्सो बिकम इंटरनल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ICT टू सम एक्सटेंट हैज रिप्लेस ट्रेडिशनल चॉक बोर्ड। देखो कुछ हद तक चॉक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं आजकल, तो उसकी जगह आपके वाइट बोर्ड हैं, स्मार्ट बोर्ड हैं, उसके थ्रू पढ़ी जा सकती है। इट इज़ यूज फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। टीच रिसोर्सेज फॉर द टीचर्स आर स्टूडेंट आर ऑल्सो यूजिंग देयर ओन स्मार्टफोन्स और अदर डिवाइसेज फॉर लर्निंग ड्यूरिंग क्लास टाइम। ऑनलाइन असेसमेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट। ऑनलाइन असेसमेंट हो रहे हैं आजकल, जैसे गूगल फॉर्म भी हैं आपके बन जाते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट हो रहे हैं, गूगल फॉर्म पे भी असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग। द कंसेप्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम इज बिकमिंग पॉपुलर इन मैनी कंट्रीज वेयर स्टूडेंट वॉच लेक्चर्स एट होम on the computer and use classroom time for more interactive exercise. Lecture आपको पहले ही डाल दिया गया, evening में आप lecture देख कर और next day आप classroom में सिर्फ अपनी problem ले रहे हो आके, ठीक है, तो timing बच जाती है, lecture record करके डाल दिया और आपकी हम सिर्फ problem ले रहे हैं बाद में classroom के time में। देखो सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन आर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कैन बी इजिली एक्सप्लेन। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो एनिमेशन के थ्रू या वीडियोस के थ्रू इजिली समझ में आ जाता है, इमेजेस और वीडियोस के थ्रू टीचिंग इंप्रूव हो जाती है। प्रेजेंटेशन कैन मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल हम डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे सकते हैं। If the teaching process in the class is interactive, it will make the lesson more enjoyable. An e-learning program allows students to learn at their own pace, at any convenient time and from any place. किसी भी place से आप e-learning में और किसी भी time पे आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो। ICT in healthcare में भी देखो कितनी हो गई, MRI हो गई, X-rays हो गए और बहुत सारी चीज़ें आ गई healthcare में भी। थ्रू द राइट कम्युनिकेशन मीडिया अ डॉक्टर कैन ईजिली डिलीवर ट्रीटमेंट। आपका रिकॉर्ड रख सकता है डॉक्टर किसी भी चीज़ का, अगर आप दोबारा जाओगे तो आपके कोई साइड इफेक्ट्स हैं किसी मेडिसन्स के या कुछ, वो सब कुछ स्टोर कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है पेशेंट की हिस्ट्री को, डायग्नोस रिपोर्ट कर सकता है। आपकी रिपोर्ट है आज की मेल पर आ जाती है आज की डेट में। हॉस्पिटल कैन यूज़ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्टोर मेडिकल डाटा आपका, कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर भी कंप्यूटर के साथ ही अटैच होकर चलते हैं। यू कैन सर्च इंफॉर्मेशन ऑफ एनी डिजीज, मेडिसिन एक्सेट्रा ऑन द इंटरनेट, किसी भी चीज़ पर कर सकते हो। गवर्नेंस में देखें कितना यूज़ है ICT का, कि कोई भी चीज़ है कोई भी वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई भी बिल गवर्नमेंट का है, किसी भी चीज़ का है, वो आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, लाइनों में लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ICT इन गवर्नमेंट्स मीन्स यूजिंग इंटरनेट अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी। देखो सबसे बड़ी बात है इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, करप्शन कम हो जाता है। अगर कोई आप गवर्नमेंट
उसमें पहले तो चक्कर लगाने पड़ते थे, अब आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कोई भी फॉर्म है, फॉर्म लेने के लिए ही आपको कितनी कितनी बार बुलाया जाता था, अब आप फॉर्म सीधा डाउनलोड करके या फिल करके आपको सबके जो कोई भी चीज़ देखनी है, ट्रांसपेरेंसी है वेबसाइट पे, हर चीज़ अवेलेबल है, यू कैन चेक इट। डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज एफिशिएंटली, गवर्नमेंट में कैसे हेल्प होती है। ई गवर्नेंस साइट एनेबल पीपल टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज फिलिंग अ फॉर्म, अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, पेइंग बिल्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। कोई भी बिल पे करना है, अपने प्रॉपर्टी का टैक्स करना है, किसी भी चीज की है, वो आप कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।